हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, शाम के बजे हैं अभी 6:30 और ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल जाने के लिए, और बस दीदी को लेना है। हम सब वहीं से ही पूजा के पापा की शॉप के वहीं से ही निकलेंगे। दीदी को वहीं से लेना है, दीदी भी अकेले जा रही हैं। इधर से पूजा के पापा और मैं हैं, तो मैंने कहा हम तीनों ही कैब पर चले जाते हैं। तो दीदी कह रही है चलो मैं भी आ जाती हूँ, तो वहीं से अब बस जाते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा के पापा हो रहे हैं और बस जाते हैं वहीं पर ही पूजा के पापा की शॉप। और गाइस, हम लोग तैयार कर लिए हैं क्योंकि उनके बच्चे का 18 बर्थडे है शायद, जिनके यहाँ जा रहे हैं, तो वो गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कैश ही दे देती हूँ क्योंकि समझ नहीं आती। तो गाइस, गिफ्ट का कुछ भी समझ नहीं आती, तो पूजा का पापा कहते कैश ही ले लो। हम लड़के का, उनका बेटा है, उनके बेटे का 18 बर्थडे है, तो वो गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं। तो बस हम वही चल रहे हैं और बस अब रेडी होके निकलते हैं फटाफट। और जब हम उनको अपनी लाइफ की हर सिचुएशन का पार्ट बनाएंगे, हर प्रॉब्लम, हर सुख, हर दुख, तो वो हमारी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल कर देंगे क्योंकि वो अपने बच्चों से, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो आइए, गुरुजी महाराज का आज इतना सुंदर दरबार सजा है फूलों से, फिर बहुत ही प्यारा सा भजन, फूलों वाली पाल खींच मेरे गुरुजी आए हो मिलकर भाव से। सभी, मैं चाहती हूँ आप सब तालियों के साथ गुरुजी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाइए। जय गुरुजी। जिसको मन कर रहा है कि गुरुजी महाराज को देखते रहें, बस गुरुजी का प्यारा सा मुखड़ा उनको देखते रहें और बस ऐसे ही देखते ही रह जाएं। किस किस को आज गुरुजी का दरबार बहुत प्यारा, बहुत सोना लग रहा है, तो ऐसे गुरुजी महाराज को बल बल चाहिए। मिल करी बहुत प्यारा सा भाव, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साढ़े बेरे। क्योंकि बहुत नसीब वाले हैं हम संगत जी, जो हमें गुरु जी महाराज का सत्संग मिला है। जब गुरु जी की मर्जी होती है तभी वो अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। इस दरबार में कोई भी गुरु जी महाराज की आज्ञा के बिना नहीं आ सकता। आज हम सब पर गुरु जी की कृपा हुई है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो उन्होंने आज हमें इतने प्यारे सत्संग का हिस्सा बनाया है। और आज ये गुरु जी ही जानते हैं कि आज वो हमें किस तरह से ब्लेस करना चाहते हैं। तो हम आज अपने अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स इस दरबार से लेकर जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप सब गुरु जी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और मिलकर उनका गुणगान करें। जय गुरु जी। सब कुछ सरकार तू ही से है, तो हम सब ये बहुत प्यारा सा भजन गाएंगे। इसके बोल इतने प्यारे हैं, मैं चाहती हूँ आप सब मिलकर इसको आंखें बंद कर महसूस कीजिए कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात से बहुत बढ़ चढ़ कर हमें गुरु जी महाराज ने नवाजा है। हम जितना शुक्राना करें गुरु जी का उतना कम है। हर एक सांस से भी शुक्राना करें तो भी पूरा नहीं हो सकता गुरु जी ने जितना उपकार हम पे किया है। ये तो गुरु जी महाराज की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ मिलकर भी ये गाएं। पहले मैं शुरू करूँगी, फिर हम सब कुछ सरकार तू ही दरबार में। संजय जी, ये बहुत बहुत शक्तिशाली है, अगर आप इसको महसूस करेंगे ना तो आपको बहुत पॉजिटिव।
पॉजिटिविटी के लिए। हर 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 शिव शिव शिवा, हर 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 शिव शिव शिवा। भजन रिलीज करवाया था, मुझे नहीं पता आप में से अगर किसी ने सुना है तो। हारी हूँ गुरु जी पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये भजन गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझसे ये गवाया, मुझसे ये लिखवाया। एक छोटा सा सत्संग आपसे शेयर करती हूँ इसी से रिलेटेड, नाम पर गुरुजी की बेटी के नाम से। मैंने ऐसे ही एक दिन गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे खड़े होकर इसकी कुछ लाइन्स गा दी। आप सभी ने, सभी संगत ने उसको इतना प्यार दिया, उसको इतना, वो इतना वायरल हो गया कि सबने मुझे बोला कि इसको आप अपनी आवाज़ में रिलीज करो। पर मैं श्योर नहीं थी कि मुझे करना चाहिए या नहीं, पर गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए एक दिन, और उस ड्रीम में मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हूँ बड़े मंदिर में। गुरुजी महाराज अपने चोले में हैं, बहुत सुंदर गुरुजी महाराज लग रहे हैं, और वो मुझे बुलाते हैं, अपनी गद्दी पर विराजमान है, और मुझे बोलते हैं कि आप बैठ मेरे पास। और मैं गुरुजी के चरणों में बैठ कर गुरुजी मुझे कहते हैं, चल हारी हूँ गुरुजी सुना दे। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा भजन मुझसे रिलीज कराया और इसको इतना प्यार दिया सभी ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको इतना प्यार मिलेगा, पर इसके लिरिक्स, इसके वर्ड्स इतने दिल को छूने वाले हैं कि हम सब इस दरबार में हारे हुए आते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा है कि वो हमें कभी हारने नहीं देते और हमारी जीत हो जाती है गुरुजी की कृपा से। और मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी चीज़ की वजह से हारा हुआ ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस करता है। तो हमारे गुरुजी महाराज हैं ही इतने प्यारे, उनको अपनी सारी तकलीफें सौंप देते हैं आज इस भजन के ज़रिए, और एक विश्वास दिलाते हैं, विश्वास रखते हुए अपने मन में ही, गुरुजी आप साथ हो तो हमें विश्वास है कि हम कभी नहीं हार सकते। तो आइए मिलकर बहुत ही प्यारा सा भजन, हारी हूँ गुरुजी पर तुझ पे भरोसा है, कि जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है, गुरुजी के लिए गाते हैं। लाइफ में
आपने हमें हर चीज बढ़ चढ़ कर दी है। बिन बोले आप सब जानते हो, दिल में बात बाद में आती है, उससे पहले गुरु जी महाराज हमारी वो इच्छा वो विश पूरी कर देते हैं। ऐसे प्यारे हैं हमारे गुरु जी। सीमा का गिफ्ट और गुरु जी देखो, जय गुरु जी। हाँ और जिया जी बढ़िया। चलो भाई सीमा को अपना गिफ्ट मिल गया, मुझे भी मिल गया। हाँ गुरु जी कहाँ गए? ये रे। हाँ गाइस ये रे गाइस, मेरा गिफ्ट भी गुरु जी का ब्लेसिंग मिली है। चलो दीदी। हाँ और सुरेश चल बढ़िया, आओ किसी दिन घर में। सुनीता ठीक है, बस हमारे भी आने वाले, कैब आने वाली है। ठीक है सीमा, तू ना खा दो। जिया जी चलो ठीक है भाई, जरूर आएंगे। ठीक है ऐसा हो सकता है। हाँ सही कह रही है, नहीं चलो ठीक है भाई। लगा गिफ्ट मिलके बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ना। हाँ बहुत अच्छा गिफ्ट दिया पापा ने, 18 ईयर्स के हुए ना। हाँ चलो बहुत अच्छा गिफ्ट भी है। गाइस घर आ गए हैं वापस और बस आए हैं, अभी बज गए हैं 11:30, लेट हो गए काफ़ी, पर कोई बात नहीं। चलो काकू तो आ चुका था, काकू नहीं गया था क्योंकि उसको जाना था ऑफिस, तो वो नहीं चला। हम लोग पूजा के पापा और मैं गए थे तो शॉप पे ही हमने कैब रोकी क्योंकि दीदी को वहाँ से उतारना था, तो दीदी वहाँ से घर चले गए और क्या कहते हैं हम लोग वापस अपनी बाइक से घर आ गए। तो बस अभी आके बैठे ही हैं। और तो गाइस ये मिला है गिफ्ट और ये देखिए गुरु जी, जय गुरु जी देखिए। और ये हैं 4 बॉटल्स, तो किसी में टॉफीज हैं, किसी में कुछ है, किसी में चॉकलेट है, तो चारों बॉटल्स में कुछ ना कुछ है। तो इसको बाद में खोलते हैं, अभी तो इसको ऐसे ही रखते हैं। गाइस बहुत मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जितनी मैं आपके लिए कैच कर सकती थी मैंने उतनी आपके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि जो होता है जो सॉन्ग्स जो भजन थे, भजन मैं नहीं ज़्यादा कर सकती, 7 सेकंड से ऊपर कॉपीराइट आ जाते। जो खुद बोल रहे थे ना, जो एक एक
अपने मुंह से गुरु जी के बारे में बता रहे थे, लाइव था सारा गाइस। तो वहाँ पर तो जो वो बोल रहे थे ना, जो भजन वो गा रही थी, और इतना अच्छा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, यानी बहुत अच्छी आवाज़ थी गाइस, आप ध्यान से सुनना। और उन्होंने एक एक सत्संग बीच में शेयर किया है, जो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, एक एक मैंने आपको एक एक चीज़ रिकॉर्ड दिया है, रिकॉर्ड किया उस चीज़ को, आप उसको बारीकी से सुनना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। मैंने पूरा सब उसमें बताया, और जो गुरु जी के, जो गुरु जी को मानते हैं, तो उसमें सारा शुक्राना से लेके सब कुछ है। तो आप सब उसको देखना, और बिल्कुल भी मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, स्किप मत करना। आपको बैठे बैठे गुरु जी के घर में बैठे बैठे गाइस ब्लेसिंग मिलेगी। कहते हैं कि अगर गुरु जी का, और उन्होंने ये बात बोली मुझे सबको जो वहाँ पर बैठे हुए थे, कि जो आप आए हो वो गुरु जी की वजह से ही यहाँ पर हाजिरी मिली आपको, बिना उनके बुलाए आप आ नहीं सकते और आप देख भी नहीं सकते, मैं आपको सही बताऊँ, बिना उनकी इजाज़त के। तो ये देखो, आप जो देख रहे हो या कुछ है, जो वीडियोस बनी है उसका देखना, आप खुद देखना, आपको इतना आनंद आएगा सुनने पे। मैंने बहुत सारी की है, इंस्टाग्राम की रील्स भी बहुत बनाई है, तो गुरु जी के ऊपर मैं आपको जैसे जैसे वीडियो को करूँगी तो आप देखना उसको। बहुत गाइस बहुत मज़ा आया, मैं दिल से आज आपको बता रही हूँ कि बहुत मज़ा आया। जितना टाइम भी बीता वहाँ, मुझे नहीं पता चला 7 से 9 कैसे बीत गया है। नहीं, आज पहली बार, आप विश्वास नहीं मानेंगे, पहली बार ऐसा लग रहा था कि 1-2 घंटे के उसमें पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। बहुत अच्छा जिन्होंने प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा। एक ना आवाज़ बहुत अच्छी थी गाइस, बहुत अच्छी थी, पूरा दम था आवाज़ में, कि सुनने में ना एक अलग सा वो लग रहा था बहुत। और उनको तो वो कहते हैं, उन्होंने बीच में मैंने उनके लिए काफ़ी लाइन्स मैंने शूट कर ली है। एक उन्होंने भजन कहते हैं, मेरे से खुद गुरु जी ने बोला है, हारे का सहारा, आप वो सुनना, मैंने वो थोड़ी सी लाइन करी हुई है, बाकी इंस्टाग्राम पे पूरी डाली है, वो सुनना। कह रहे हैं मुझे खुद ये बात, मैं वहाँ पर गई थी बड़े मंदिर, मैं पूरी अभी नहीं बता रही आपको, आप उसमें ही सुनना, तो पूरा आप सुनोगे, आपको खुद विश्वास होगा कि गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत, अगर आप मानो तो बहुत जल्दी मिलती है। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।